हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल कूल पॉइंट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में जानेंगे। इस आसान विधि से आप जो है इलेक्ट्रिकल सिंबल्स को आसानी से समझ जाएंगे और आपको बहुत ही आसान तरीके से याद भी हो जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं पहले सिंबल की ओर। तो पहला सिंबल जो हमारा है वो है डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट जो हमें रेक्टिफायर से मिलता है और बैटरी से मिलता है, तो जो ये जो हमें डायरेक्ट करंट मिलता है ये प्योर डीसी करंट होता है, जो कि एक काले कलर की लाइन में आपको दिखाया हुआ है। दूसरा है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट जो है हमें अल्टरनेटर से मिलता है, जो कि साइनोसाइडल होता है। इसका मान जो है एक सेकेंड में 50 बार प्लस 50 बार माइनस होता है। तीसरा सिंबल है हमारा सिंगल फेज। तो सिंगल फेज को हम जो है इस तरीके से दिखाते हैं, ये भी हमें जो है अल्टरनेटर से मिलता है। ये सिंगल फेज जो हमें है सिंगल फेज अल्टरनेटर से मिलेगा। इसके बाद है थ्री फेज। तो थ्री फेज को हम इस तरीके से दिखाते हैं और थ्री फेज जो हमें थ्री फेज अल्टरनेटर से मिलता है, तो इसमें तीन फेज होते हैं आर वाई और बी। इसके बाद है फेज सीक्वेंस। तो फेज सीक्वेंस को हम आर और वाई कहते हैं। फेज सीक्वेंस मतलब एक क्रम, यानी कि आर और वाई। तो आप इसमें देख रहे हो चित्र में जो तीन फेज दिखा रखे हैं, तो इनमें से कोई भी आप आर वाई वी इस तरीके से सीक्वेंस से कहोगे तो इसको फेज सीक्वेंस कहते हैं। अगर हमें किसी मोटर में कनेक्शन करने हैं तो हम आर और वाई इसी सीक्वेंस से थ्री फेज की मोटर में कनेक्शन करेंगे, तो उसको हम थ्री फेज जो है फेज सीक्वेंस कहेंगे। इसके बाद न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल को हम एन और जीरो से दिखाते हैं। तो न्यूट्रल जो आप देख रहे होगे यहाँ पर दिखा रखा है आर वाई, इसके बाद जो है हमारा न्यूट्रल आता है, यानी कि रेड येलो ब्लू, इसके बाद जो है न्यूट्रल आता है। तो सबसे लास्ट में आप नीचे देख रहे होगे न्यूट्रल की वायर है। इसके बाद है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव को हम प्लस और वी से दिखाते हैं और नेगेटिव को हम माइनस और वी से दिखाते हैं। तो ये भी हमें जो है बैटरी से और रेक्टिफायर से मिलता है। तो रेक्टिफायर से जो पॉजिटिव टर्मिनल से मिलेगा और बैटरी से हमें पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव मिलेगा और नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव मिलेगा। क्रॉस वायर, अगर हम ये देख रहे होगे आप चित्र में क्रॉस वायर दिखा रखी है एक, तो क्रॉस वायर का सैम्बल जो होता है हम इस तरीके से बनाते हैं जो आपको दिख रहा होगा। इसके बाद है अर्थ। अर्थ और इसके बाद है अर्थ। तो अर्थ को अर्थ का सैम्बल आप देख रहे होगे इस तरीके से जो है अर्थ का सैम्बल हम बनाते हैं। और अर्थिंग क्या होती है, जब हम किसी इक्विपमेंट या कोई भी मेटल का या फिर मोटर किसी को भी ज़मीन से अर्थ करते हैं, ग्राउंड करते हैं, तो उसको हम अर्थिंग बोलते हैं। इसके बाद है रिवायरेबल फ्यूज़। तो रिवायरेबल फ्यूज़ का सिंबल इस तरीके से होता है और ये जो फ्यूज़ आप देख रहे हो ये रिवायरेबल फ्यूज़ कहलाते हैं, यानी कि जब ये अधिक करंट आने पर इनकी अंदर की जो वायर होती है वो पिघल जाती है, तो इसको हटा करके हम दूसरा फ्यूज़ लगा देते हैं जिसको हम रिवायरेबल फ्यूज़ कहते हैं। फिर कॉर्टिज फ्यूज़। तो कॉर्टिज फ्यूज़ इस तरीके से होता है और इसका सैम्बल जो है ऐसा बनाया जाता है। न्यूट्रल लिंक। न्यूट्रल लिंक जो है इस तरीके से इसका सैम्बल होता है और न्यूट्रल लिंक आप चित्र में देख रहे होंगे जो रेड कलर से दिखाया हुआ है, तो ये जो है न्यूट्रल लिंक है। इसके बाद है सिंगल पोल स्विच। तो सिंगल पोल स्विच का जो है इस तरीके से हम डायग्राम या सिंबल बनाते हैं। तो ये देख रहे होगे आप चित्र में सिंगल पोल स्विच दिखा रखा है और दूसरी एनसीबी दिखा रखी है, ये भी एक स्विच की तरह ही काम करती है। इसके बाद है टू वे स्विच। तो ये चित्र में टू वे स्विच इस तरीके से होता है और इसका सिंबल जो है ऐसा होगा। इसके बाद आप पुश बटन। तो पुश बटन ये आप देख रहे हो ये पुश बटन कहलाता है और इसका जो सैम्बल है वो इस तरीके से बनाया जाता है।
इंटरमीडिएट स्विच, ये देख रहे हो आप इंटरमीडिएट स्विच है, और इंटरमीडिएट स्विच का जो है सिंबल इस तरीके से बनाएंगे। लैंप, तो ये आप देख रहे हो लैंप है, और लैंप का जो सिंबल है इस तरीके से हम बनाते हैं लैंप सीरीज में। तो देखिए आप इस तरीके से सीरीज में लैंपों को हम जोड़ते हैं, और इसका सिंबल जो है हम इस तरीके से बनाएंगे। लैंप पैरेलल में, तो पैरेलल लैंप हम इस तरीके से जोड़ते हैं, और पैरेलल लैंप का सिंबल जो है हम इस तरीके से बनाते हैं। टू पिन सॉकेट, तो टू पिन सॉकेट आप चित्र में देख रहे हैं, और टू पिन सॉकेट का जो है डायग्राम हम इस तरीके से बनाते हैं। थ्री पिन सॉकेट, तो थ्री पिन सॉकेट आप चित्र में देख रहे हैं, तो थ्री पिन सॉकेट का जो है डायग्राम हम इस तरीके से बनाते हैं सिंबल। फैन रेगुलेटर आप चित्र में देख रहे हैं, तो फैन रेगुलेटर का सिंबल जो है हम इस तरीके से बनाते हैं। कॉइल, तो आप ये कॉइल देख रहे हो, तो कॉइल का अगर हम सिंबल बनाएंगे तो इस तरीके से बनाते हैं। ये वेरिएबल कॉइल है, वेरिएबल कॉइल का सिंबल जो है हम इस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि वेरिएबल कॉइल क्या है, हम उसको उसका वो है मान जो कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसीलिए ये वेरिएबल कॉइल कहलाती है। ये चोक है, चोक का सिंबल जो है इस तरीके से बनाएंगे हम। तो चोक तो आपको पता ही है, ये ट्यूब लाइटों में लगाई जाती है। ये कंडेंसर है, कंडेंसर का सिंबल जो है इस तरीके से बनाया जाता है, जो कि पंखों में या फिर और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में लगाया जाता है, मोटर वगैरह में भी लगाया जाता है। ये आप देख रहे हैं वेरिएबल कंडेंसर है, ये वेरिएबल कंडेंसर जो है इसका सिंबल जो है इस तरीके से बनाया जाता है, इसका मान जो है हम कम और अधिक कर सकते हैं। ये आप देख रहे हो सेल है, तो एक सेल का सिंबल जो है इस तरीके से हम बनाते हैं। ये आप देख रहे हो बैटरी है, तो बैटरी का सिंबल जो है इस तरीके से हम बनाएंगे। तो बैटरी वो होती है जो सेलों से मिल करके बनती है। एम्पियर मीटर, तो एम्पियर मीटर का आप सिंबल इस तरीके से बनाते हैं, ये एसी एम्पियर मीटर है, ये डीसी एम्पियर मीटर है, तो डीसी एम्पियर मीटर का सिंबल हम इस तरीके से बनाएंगे। ये एसी और डीसी एम्पियर मीटर है, तो एसी और डीसी एम्पियर मीटर का सिंबल हम ऐसे बनाएंगे। ये वाट मीटर है, तो वाट मीटर जो है इस तरीके से सिंबल हम इसका बनाते हैं। ये ओम मीटर है, तो ओम मीटर का सिंबल हम इस तरीके से बनाएंगे। ये मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर का सिंबल जो है हम इस तरीके से बनाएंगे, जिसमें ए बी और ओम का निशान दिखाया जाएगा। ये वोल्टमीटर है, तो वोल्टमीटर का सिंबल हम इस तरीके से बनाएंगे। ये एसी वोल्टमीटर है, ये एसी और डीसी वोल्टमीटर है, तो इस तरीके से हम एसी और डीसी वोल्टमीटर का सिंबल हम बनाते हैं। ये डीसी टाइप वोल्टमीटर है, तो डीसी टाइप वोल्टमीटर का सिंबल हम इस तरीके से बनाते हैं। ये फेज इंडिकेटर है, तो फेज इंडिकेटर का हम सिंबल बनाएंगे, तो इस तरीके से बनाएंगे। ये एक फेज इंडिकेटर का सिंबल है। तीन फेज इंडिकेटर का सिंबल बनाएंगे, तो आगे से तीन लिखा जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका नेक्स्ट पार्ट पाने के लिए नीचे कमेंट करें।